कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हाल ही के कुछ दिनों पहले युवाओं ने सद्बुद्धि यज्ञ कर एवं अधिक संख्या में डाक पोस्ट कार्ड के द्वारा मांग की थी। आज मंगलवार 14 फरवरी के दिन जिला जन अधिकार मंच के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के एवं समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भाजपा के पूर्व विधायक, जिला बार संघ के अध्यक्ष एवं आम जनता सहित अनेकों संस्थाओं के सदस्य आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर कटनी कलेक्टर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद एवं प्रभारी मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम आज ज्ञापन पत्र सौंपा है। दरअसल अब कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग निरंतर की जा रही है और अब समाज सेवी संस्थाएं भी इस मुहिम में आगे आ रही है। देखा जाए तो इस मुहिम में राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन कटनी में मेडिकल कॉलेज को लेकर खुलकर सामने आए हैं, तो वहीं जिला बार संघ ने अपना पूरा समर्थन इसको लेकर दिया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता भी मेडिकल कॉलेज को लेकर साथ खड़े हुए हैं और मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र कटनी में मेडिकल कॉलेज के लिए राशि आवंटन कर भूमि पूजन किया जाए और कटनी वासियों की मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बकायदा पोस्टर के माध्यम से कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने पोस्टर के साथ संकेत भी दिया है कि कटनी में मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। अपने हकों के लिए जागृत होकर सड़कों पर उतर आई है। आज कटनी जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अब कटनी के हितों पर कटाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। वर्ष 2013 में कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का एक MOU साइन किया था, जिसमें 25 एकड़ जमीन थी, जमीन भी सरकार ने आरक्षित की थी, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर मांग करने के बाद भी सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। आज कटनी की जनता मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता रेलवे के DRM कार्यालय की मांग कर रही है, ट्रांसपोर्ट नगर यथास्थान जाना चाहिए जनता मांग कर रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने के लिए यह कोई आंदोलन राजनीतिक नहीं है, एक दल का नहीं है, ये सर्वदलीय आंदोलन है। इसमें सभी दल के लोग हैं, सभी व्यापारिक संगठन हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हैं, नागरिक बंधु हैं, व्यापारी बंधु हैं, वो अपने हकों और हितों की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर उतर आई है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि कटनी में मेडिकल कॉलेज के लिए धन आवंटन नहीं हो जाता, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए धन आवंटन नहीं हो जाता, सरकार ट्रांसपोर्ट नगर को यथास्थान स्थापित नहीं कर देगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और कटनी के हितों के लिए जनता आज अंगड़ाई लेकर खड़ी हो गई है। अतः आज लड़ाई के लिए हम सब लोग तत्पर हैं, सरकार को इस बात की सूचना देने के लिए आज ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री, सांसद महोदय, प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त किया था, उसके बावजूद क्या लगता आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं मिला, तो आश्वासन मिला है? आश्वासन से नहीं, परिणाम से काम चाहिए हमको। आश्वासन तो मुझे माने है और परिणाम लिखित होता है। सरकार आगामी बजट में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए धनराशि आवंटित करे। जिन स्थान पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी वहां धन भी दिया गया है, कटनी में भी धन आवंटित करे और घोषणा को पूरा करे। ज्ञापन सौंपा, किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा? ये ज्ञापन जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। इसमें शहर की कई मांगे हैं, इसमें कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने संबंधी हैं। तो ये ज्ञापन है संबंधित जो जिनको संबोधित है, माननीय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी को, वहाँ तक हम ज्ञापन हम जो है पहुँचा देंगे। तिवारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष कटनी। मैं जनहित में किए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और ये आंदोलन शहर के विकास के लिए है। मेडिकल कॉलेज यहां की प्राथमिकता होनी चाहिए। 20 लाख पूरे ज़िले की आबादी होने के बावजूद भी एक मेडिकल कॉलेज के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़े शर्म की बात है। और इस सरकार ने कई बार इस बात को दोहराया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, इसलिए हम सारे लोग पूरे, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, इसमें दल की कोई बात नहीं है, ये जनमानस की बात है और जनमानस के हित के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।